यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस, दैट इज आईएएस टॉपर्स मंत्र एकेडमी पर। आगे बढ़ने से पहले बताइए स्टूडेंट्स इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल, सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन आउट हियर। चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आज 14 फरवरी है, करंट अफेयर्स के सेशन में फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर 3-4 कलर्ड पेन्स, नोटबुक एंड जीएस सिलेबस। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पब्लिश हुआ है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर्स में। यस, लेट मी begin this session in the mobile, 2 minutes. Yes, let's proceed students. चलिए बढ़ चलते हैं। मैं बता दूं, this is Dr. Anurag Singh, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring and past 4 years in online mentoring upon various edtech platforms. UPSC में मेरा experience 2 बार personality test देने का है, 4 attempts and 4 mains में। I've also worked as assistant commissioner of sales taxes in Uttar Pradesh state civil services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel IAS Toppers Mantra Pune, जुड़ जाइएगा इस session के free PDF and further updates के लिए। एंड मैं बता दूं, ऐसे एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी के एक एक पेपर्स में आई ऑल्सो स्कोर्ड इन द टॉप 5 ranks इन माई मेन्स अटेम्प्ट्स। ओके, तो IAS टॉपर्स मंत्र पुणे, ये देखिए, दिस इज द मेंटरशिप इंस्टीट्यूट बेस्ड इन पुणे एंड आई एम द डायरेक्टर एंड द चीफ मेंटर एट प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूट। एंड वी हैव लॉन्च्ड वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज उन सभी बच्चा लोगों के लिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एवरी एग्जाम इज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, यूपीएससी नीड्स अ स्किल एंड एक्सपर्टीज, आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद मी। और इसी एक्सपर्टीज के साथ में IAS टॉपर्स मंथ ने लॉन्च किए वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री एंड पेड बोथ। फ्री कोर्सेज में आप देख सकते हैं CSAT का कोर्स है और मैपिंग का कोर्स है। दिस इज फ्री कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड ये टारगेट यही है दैट CSAT के कोर्स करने के बाद, ये फ्री कोर्स है पूरा। अभी कल रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के सेशन स्टार्ट होंगे एंड विद दिस वी एम दैट दिस ईयर CSAT विल बी अ केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू। मैपिंग सेशंस भी टारगेट 20 लेकर चल रहे हैं हम लोग, 20 सवाल यहां से हिट कर जाए, हमारा यही टारगेट है। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा सक्षम मेंटरशिप क्लासेस, पेड क्लासेस हैं, लॉन्च किए गए। ये देखिए, स्पेशली इंजीनियर फॉर प्रीलिम्स, टारगेट 65 लेकर चल रहे हैं हम लोग इसमें क्वेश्चंस का प्रीलिम्स में इस साल। इट इंक्लूड संकल्प टेस्ट सीरीज ऑफ 20 GS टेस्ट पेपर्स एंड 12 CSAT टेस्ट पेपर्स एंड इसमें ग्रुप्स बनाए गए हैं और टास्क मिल रहा है स्टूडेंट्स और साथ में कुछ कंटेंट ऑफलाइन आपके घर पे पहुंचेगा। इट इंक्लूड्स योजना कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ PIB, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनवायरमेंटल कन्वेंशन, International institutions, indices, reports, and ethics case studies as add-on in this course. So all those who are interested can contact upon the following mobile numbers: 999-888-7354, 999-888-7358. So can we proceed ahead, students? चलिए बढ़ चलते हैं। निकाल लिया है आपने GS का syllabus, 3-4 कलर के पेन और साथ में have you taken out your current affairs copy? तो चलिए daily fact shots. सबसे पहले ये डेली फैक्ट शॉट्स, फैक्चुअल कंपोनेंट जो न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं वहां से एक्सट्रैक्ट किए गए। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक ऑन आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। ये देखिए, आर्मेनिया सेज 4 किल्ड इन बॉर्डर फ्लेयर अप विद आर्च राइवल्स अजरबैजान। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, प्रीलिम्स 2023। ये देखिए इन पेयर्स, ये देखिए, और कौन सा एरिया है स्टूडेंट्स, ये देखिए, Armenia and Azerbaijan accused each other on Tuesday of opening fire on the border with Yerevan, saying Azerbaijani forces killed 4 of its soldiers. ये दोनों देश, Armenia capital Yerevan, Azerbaijan का Baku, have fought 2 wars over the disputed Nagorno-Karabakh belt. Last year से news में चल रहा है, prelims में पूछा गया, इसीलिए ये देखिए, ये Caucasus countries हैं students, ये देखिए,
Caucasus countries, they lie between Black Sea and Caspian Sea. Yes. और देखिए यहाँ पर ये आर्मेनिया है, ये देखिए लाइट कलर्ड मैप जो देख रहे हैं आप, आर्मेनिया है, ईरान के ऊपर का ये देखिए कंट्री है, यू कैन सी इट हियर, और ये है अजरबैजान, और ये देखिए नगोर्ना काराबाख, इसी एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है स्टूडेंट्स। अभी अजरबैजान ने कैप्चर कर लिया इस पूरे एरिया को, ये देखिए इसका कैपिटल स्टीपेनाकाट आर्मेनिया कहता है, खनखेंदी अजरबैजान कहता है, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये पहले आर्मेनिया का हिस्सा था सिंस 1990s, उस समय यहाँ पे लैचिन कॉरिडोर था, ये देखिए, टू पास ऑन फ्रॉम आर्मेनिया इनटू नगोर्ना काराबाख, लैचिन कॉरिडोर वाज कैप्चर्ड बाय अजरबैजानी फोर्सेस लास्ट ईयर। यहाँ से प्रिलिम्स में क्या आ सकता है इस साल, मैं बता दूँ, स्टीपेनाकाट लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, खनखेंदी लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, द सेम सिटी कैपिटल ऑफ नगोर्ना काराबाख, एंड सेकेंड लाचिन कॉरिडोर, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ा जाए, सेकेंड टॉपिक एस्टोनिया, रशिया डिक्लेयर्स एस्टोनियन पीएम वांटेड इन वॉर मेमोरियल स्पैट। ये एस्टोनिया, एक्सक्यूज मी, दिस इज द एस्टोनियन प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए काजा कालास, एंड सोवियत एरा वॉर मेमोरियल्स जो बनाए गए थे मॉन्यूमेंट्स एस्टोनिया में हटा दिए गए, एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया, ये तीन देश बाल्टिक स्टेट्स हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया, क्या ये न्यूज़ में चल रहा लगातार, मुझे बताइए स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। एस्टोनिया कैपिटल टैलिन, इसका लोकेशन देखिए, ये जूम इन किया गया है, ये देखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड और बाल्टिक सी पर लोकेटेड, मैप में मार्क कर लीजिएगा। यस यस, गुड मॉर्निंग चैतन्य, पूर्वा, नविनाश, सो यू कैन सी इट हियर, एस्टोनिया गल्फ ऑफ फिनलैंड गल्फ ऑफ रीगा के बीच में ये पेनिनसुला है स्टूडेंट्स, में बता दूं आपको, देखिए पेनिनसुला का डेफिनेशन क्या है मुझे बताइए, इज इट अ लैंड एरिया बॉर्डर ऑन थ्री साइड्स बाय वाटर, यस, और बाल्टिक सी का हिस्सा है गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ रीगा। एस्टोनिया कैपिटल टैलिन, इट्स अ सी पोर्ट, यू कैन सी इट हियर, तो नोट इट डाउन, एस्टोनिया कैपिटल टैलिन, ये देखिए, यस, गल्फ ऑफ फिनलैंड गल्फ ऑफ रीगा, बाल्टिक कंट्री है ये, बाल्टिक स्टेट है, ये देखिए, ये पहले रशिया का हिस्सा था सोवियत यूनियन का, इट बिकेम सेपरेट इन 1991 विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स अ प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री, सो ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट इट विल बी अगेंस्ट रशिया सोवियत यूनियन, एंड इट हैज रिमूव्ड ऑल द वॉर मेमोरियल्स, ये देखिए क्यों हटाए गए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि ये सोवियत एरा का जो भी चीज़ें ख़त्म कर दो, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं एस्टोनिया की, उनको रशियन डिक्लेयर किया वांटेड, ये देखिए, इज इट क्लियर, टेल मी, एस्टोनिया का लोकेशन देख लीजिएगा। थर्ड, राइज इन इंडिया कोल इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग दिसंबर 27%, ये थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया रजिस्टर्ड अ इंक्रीज, मैं बता दूँ आपको, इंडिया ने लगातार रजिस्टर किया इंक्रीज कोल इम्पोर्ट्स में, ये देखिए, और थर्मल पावर प्लांट्स को भी पूरा फ्रीडम दिया गया है, पहले इट वाज 10:90 रेशियो, यानी 10% आप कोल इम्पोर्टेड कोल यूज़ कर सकते हैं, इट वाज इंक्रीज टू 25:75 रेशियो, ये देखिए थर्मल पावर प्लांट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी, यस प्रीलिम्स 10:92:25:75, इज इट क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ा जाए। फोर्थ टॉपिक, ईरान फायर्स फर्स्ट शिप बेस्ड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, दिस क्लियरली शोज दैट ईरान इज फास्ट प्रोग्रेसिंग ऑन द पाथ ऑफ मिलिट्री माइट। ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स सेट ऑन ट्यूजडे इट हैज लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम वॉरशिप, ये देखिए 1700 किलोमीटर दूर, ये क्लियर कट शो कर रहा है नेवी के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाया है ईरान ने। तो स्टूडेंट्स जो लोग देख रहे हैं मुझे, ये सेशन देख रहे हैं, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए इंडिया के पास कौन से शिप बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, शिप एंड सबमरीन दोनों मुझे बताइए आप लोग, नेवी के लिए कौन कौन से वर्जन्स बनाए गए हैं, और सबमरीन बेस्ड क्या कोई बैलिस्टिक मिसाइल है मुझे बताया जाए चैट बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं, आज फ्रंट पेज पर न्यूज़ आया है, MSP एंड फार्मर प्रोटेस्ट, सेंटर रूल्स आउट MSP लॉ, इन्वाइट्स फार्मर्स टू द टॉक्स,
Farmers police clash at various points along the Haryana-Punjab border. Delhi continues to be under tight security net with prohibitory orders remaining in effect. SKM, ये देखिए this जो किसान मोर्चा है, urges PM to intervene and stop using force, asks splinter groups to join strike. ये देखिए, तो आइए देखते हैं क्या ये टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स और क्यों ये दिक्कत चल रही है. देखिए संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने ये फार्मर प्रोटेस्ट बुलाया है. Yesterday we saw why is India facing farmer protest. क्या कोई मुझे फटाफट चैट बॉक्स में अभी बताएगा, टेल मी. ये देखिए फार्मर प्रोटेस्ट के रीजंस इंडिया में, टेल मी. सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल शायद या नेवी के लिए क्या धनुष है क्या, पृथ्वी का नेवल वर्जन मुझे बताइए. एक सागरिका भी है सबमरीन लॉन्च, थोड़ा देखिएगा एक बार धनुष सागरिका. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स डिफेंस से. आइए आगे बढ़ा जाए तो हैव अ लुक दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस. फार्मर्स प्रोटेस्ट में एक सबसे बड़ा मेजर इश्यू है लीगलाइजेशन, गिविंग अ लीगल बैकअप एंड स्टेटस टू MSP. क्या इंडिया में MSP को कोई लॉ के तहत डिक्लेयर किया जाता है? नो, इट्स जस्ट अ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड दिस इज व्हाट इज वरिंग द फार्मर्स. द फार्मर्स राइट सिंस द वेरी बिगिनिंग Since four years back, the farmers have been protesting that MSP should be given a legal status. जिससे कि कम से कम उनसे जो क्रॉप्स खरीदे जा रहे हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पे खरीदे जाए. क्या क्लियर है स्टूडेंट्स, मुझे बताइए. ये देखिए आइए देखा जाए क्या लिखा हुआ है. तो MSP लॉ सेंटर ने कहा है मैं नहीं चेंज करूंगा, मैं बातचीत कर लूंगा आपसे. देखा जाए द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA इन डिक्लेयर्स द MSP नोटेड डाउन द स्टैटिक एरिया. ये डिक्लेयर करता है MSP एंड ये देखिए दिस कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स किस पे डिक्लेयर करता है, किसके कहने पर. कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. ये देखिए दिस इज द रिसर्च बॉडी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. ये देखिए cost and prices, it declares the minimum support prices on the basis of following parameters: demand and supply of crop, cost of production of crop, price trends in the market, intercrop price parity, agriculture and non-agriculture terms of trade, and implications on consumers. These are determinants, students, very important. Price trends mein international price trends bhi hai, ise bhi note kijiyega. To CACP ek अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एंड इट डजंट हैव अ लीगल स्टेटस. इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नोट कर लीजिए. इसीलिए फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग. ये देखिए एंड MSP डिक्लेयर करते समय कहीं पे भी लीगल स्टेटस नहीं है, कोई कानून नहीं बना है, दिया जा रहा है ऐसे ही. एंड ये देखिए MSP इज एन इंटीग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, टारगेट्स टू एंश्योर सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स, अफोर्डेबल प्राइस टू द कस्टमर, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स MSP बट इट ऑल्सो कंसल्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स. ये देखिए ये स्टेक होल्डर्स हैं स्टूडेंट्स एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. और किन फील्ड्स में डिक्लेयर किया जाता है MSP? देखिए सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कमर्शियल क्रॉप्स. ये देखिए इसमें कुछ खरीफ क्रॉप्स हैं, कुछ रबी क्रॉप्स हैं. ये देखिए और CACP अपने ये रिकमेंडेशंस सबमिट करता है सरकार को. देखिए CACP सब कुछ डिसाइड करता है, मींस इट डज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट सबमिट्स रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं देखिए, खरीफ क्रॉप का रिपोर्ट अलग होता है, रबी क्रॉप का अलग होता है, शुगर केन का रिपोर्ट अलग होता है, जूट का रिपोर्ट अलग होता है, कोपड़ा एंड कोकोनट का रिपोर्ट अलग होता है. नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड. ये देखिए उसके बाद FCI, NAFED, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ये सब परचेज करना शुरू कर देते हैं. ये देखिए तो 5 प्राइसिंग पॉलिसी रिपोर्ट्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अभी तक दिक्कत यह है स्टेटस नहीं दिया गया. किस चीज का? Legal status. That means there is nothing called as assurance, and this is why the farmers are protesting.
Also, the farmers want to implement the M.S. Swaminathan report, which was published 15-16 years back. They want the government to implement, in fact, जिसमें MSP बढ़ाने की बात थी. और जितना cost of production लग रहा है उससे उसका means cost of production का 50% और attach करके MSP देने की बात थी. So this is the second issue, MSP rise करने को लेकर. ये देखिए MSP raise करने को लेकर. और इन दोनों मुद्दों पर students, इन दोनों मुद्दों पर discussion चल रहा है. Farmers are like, you have to implement this. और 3 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था, आज भी ये मुद्दा उठा हुआ है. नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन दिस फार्मर्स पुलिश क्लैश एंड द फार्मर्स प्रोटेस्ट, दिस क्लियरली शोज द प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस. आपसे सवाल यूपीएससी पूछ सकता है यहां पर एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस के इश्यूज. ये देखिए एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस के इश्यूज. देखिए अगर सेटिस्फैक्शन रहता तो कोई नहीं आता सड़क पर. क्या हुआ है एग्रीकल्चर में, खेती में क्या चल रहा है? और आपका ये यूपीएससी एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रीलिम्स, क्या क्या सवाल निकल सकते हैं. लार्जेस्ट राइज ऑफ MSP इन द कंटेम्प्ररी ईयर, ये देखिए अभी. पल्सेस ऑयल सीड्स कौन कौन से सीजन में ग्रो होते हैं, ये भी पूछ सकता है यूपीएससी. डोमिनेंट फैक्टर टू कैलकुलेट MSP एंड डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट, ये तैयार कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए. बीच बीच में करंट अफेयर्स में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स देता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट है. MS स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट्स के फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि MSP में उन्होंने क्या कहा था MSP के ऊपर उस कमेटी ने. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स सी ऑन द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स. ये देखिए ये कहानी है थंथई पेरियार सेंचुरी का. थंथई पेरियार सेंचुरी कहां पर, पहले देख लीजिए. एक्सक्यूज मी, द थंथई पेरियार सेंचुरी इज कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ बारगुर, थमरई करई, एनामंगलम एंड नगलूर रिजर्व फॉरेस्ट इन अंथियूर तालुक. इट इज लोकेटेड बिटवीन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, द माले महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कर्नाटक. आइए लोकेशन देखते हैं. यह है सत्यमंगलम, यह है कावेरी सेंचुरी. इसी जगह पर कहीं बेस्ड है थंथई पेरियार सेंचुरी. नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स यहां पर. और आज कुछ आया है, ये टॉपिक बर्निंग टॉपिक है ट्राइबल्स को लेकर. क्या आया है देखा जाए, ट्राइबल्स एरोड में. ये देखिए एरोड, ये देखिए तमिलनाडु का हिस्सा है. यहीं पर आज से 4 दिन पहले न्यूज आया था, इसीलिए ये आर्टिकल आया है. लोकल न्यूज आया था एरोड में प्रोटेस्ट चालू हो गया ट्राइबल्स का. ये देखिए ट्राइबल प्रोटेस्ट, अनदर इश्यू. ये देखिए, सो वाई आर ट्राइबल्स, आदिवासी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई, कभी सुना है आपने? मीन्स क्या क्या रीजन होगा यहां पर, आइए देखा जाए. इट्स ऑल अबाउट फेलियर, नोट कर लीजिएगा, फेलियर टू इंप्लीमेंट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. ये देखिए इनको एवेक्ट करने की बात है. ये देखिए फेलियर इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, नोट कर लीजिए 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास किया गया था. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सेड हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो आदिवासियों को हुआ है वो ठीक किया जाएगा. नहीं ठीक हुआ है कुछ भी. आइए देखते हैं, आइए देखते हैं क्या रीजन है दिस टॉपिक, व्हाई आर वी रीडिंग इट, ट्राइबल्स आर वल्नरेबल्स, एग्रीड. ये आ सकता है सवाल, ट्राइबल्स आर वल्नरेबल सेक्शंस, यस. ये देखिए सेकंड पॉइंट आ सकता है गवर्नेंस के फेलियर से. देखिए कानून बनाना, कानून बनाना यानी लॉज, टू मेक लॉज इज नॉट द लास्ट स्टेप इन गवर्नेंस, इट इज द फर्स्ट स्टेप. द मेजर इश्यू इज अबाउट इंप्लीमेंटेशन. डू यू एग्री, टेल मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स. ये देखिए यहां पर क्या चल रहा थंथई पेरियार सेंचुरी में एरोड में. ये देखिए इस जगह पर क्या ये क्लियर है जगह लोकेशन, मुझे बताइए स्टूडेंट्स. ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है लोकेशन. आइए देखते हैं. तो 1990 में कहानी सुनते हैं पहले स्टूडेंट्स, लेट्स सी. ये देखिए सबसे पहले कहानी शुरू होती है, रेडी हैं आप लोग, मुझे बताइए.
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. द स्टोरी बिगिंस हियर. इन दिस स्टोरी, स्टोरी नहीं है ये, रियल में मींस इट्स लाइक टाइमलाइन है. इन दिस द क्रिएशन ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इज पुट. ये देखिए, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं सेंचुरीज इसी के तहत. ये अम्ब्रेला एक्ट है, लेजिस्लेशन है. इसके बाद इसमें नेशनल पार्क्स आर स्ट्रिक्ट, उसमें कोई अधिकार नहीं मिलते हैं. सेंचुरीज में अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन सेंचुरीज में भी अधिकार छिन सकता है. दैट मीन्स द ट्राइबल्स डोंट गेट राइट्स इन नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स आर मोर स्ट्रिक्ट इन द एनवायरमेंट कंजर्वेशन, बट सेंचुरीज राइट्स आर गिवन टू द ट्राइब्स. लेकिन सेंचुरीज में एक दिक्कत है, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने निकाल दिया एक नोटिस, ये देखिए क्या नोटिस निकाला, दैट हमारा इंटेंशन क्या है. ये देखिए इंटेंट क्या है हमारा, हमारा इंटेंट ये है कि इसे कंजर्व करना है और राइट्स नहीं देने हैं, तो राइट्स छीन लिए जाएंगे ट्राइबल्स के. अच्छा ऐसी बात है क्या, यस. इसको लेकर मुद्दा देखिए 1990 से शुरू होता है. 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स दैट ऑल फॉरेस्ट विलेजेस विल बी कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू विलेजेस. फॉरेस्ट विलेजेस का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, वहां सेक्रेट ग्रोव्स के अंदर बेस्ड लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे. रेवेन्यू विलेजेस का मतलब क्या है, नाउ दे विल बिकम रजिस्टर्ड ऑन द गवर्नेंस मैप. यस, रेवेन्यू विलेजेस इन शॉर्ट दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ फुल फ्लेज्ड मेन स्ट्रीम गवर्नेंस. ये देखिए मेन स्ट्रीम गवर्नेंस. और फिर उसके बाद सरकार कहती है वहां पे भी वही नियम कानून लागू होंगे जो बाकी जगह लागू होंगे, और यहीं से राइट्स छिनने शुरू हो जाते हैं. ये देखिए राइट्स, यस. सो राइट्स बिगिन टू बी टेकन बैक, राइट्स ऑफ ट्राइबल्स स्टार्ट गेटिंग इन्फ्रिंज. अब रहे सर कौन सा अधिकार, आइए देखते हैं एक अधिकार. ये है बारगुर कैटल. ये देखिए ये रहती है थनथई पेरियार सेंचुरी में. देखिए थनथई पेरियार सेंचुरी, दिस इज द होम ऑफ बारगुर कैटल. ये लोकल कैटल है और ट्राइब्स रखते हैं इसे. नाउ दिस कैटल, इसका ग्रेजिंग ग्राउंड वहीं पर है. ग्रेजिंग ग्राउंड कहां पर है स्टूडेंट्स, थनथई पेरियार सेंचुरी. बट दिस कैटल डजंट गेट टू ग्रेज नाउ. व्हाई, रेवेन्यू विलेजेस. आर यू गेटिंग इट, इज दिस अ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, टेल मी स्टूडेंट्स. एंड आफ्टर दिस, आफ्टर दिस अ केस गोज इन द सुप्रीम कोर्ट. केस जाता है, ये 1990s तक की मैंने बात बताई आपको, उसके बाद केस जाता है 1994 में. आइए उस केस का नाम देखते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट केस. ये देखिए आपने इस केस का नाम सुना हुआ है और ये इस बार तीसरी बार न्यूज में आया है, गोदा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये नाम सुना है आपने, मुझे बताइए. ये देखिए ये नाम जान लीजिए आप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर फॉरेस्ट राइट्स एंड ट्राइबल राइट्स. एंड 2004 द वर्डिक्ट केम एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिसाइडेड एंड एक्सेप्टेड दैट हिस्टोरिकल राइट्स नीड टू बी एडजस्टेड. कि यस एग्रीड भाई, दिक्कत हो गई है, सही में ट्राइब्स को निकालकर बाहर फेंक दिया गया है, कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं ग्रेजिंग ग्राउंड्स के एंड नॉन टिम्बर प्रोड्यूस इकट्ठा करने के, और इसलिए हम लोग विड्रॉ करते हैं, हम हार मानते हैं. नाउ वी विल इनएक्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. ये देखिए एंड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कम्स इन फ्रंट. नाउ जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है तो उसमें क्या लिखा रहता है देख लीजिए स्टूडेंट्स. When the Forest Rights Act became operational, it overrid the WLPA, Wildlife Protection Act 1972. इसका मतलब साफ है, Forest Rights Act 2006 enacted, it overrides Wildlife Protection Act 1972. कहा गया इसका मतलब साफ है that rights की जहां भी बात आएगी Wildlife Protection Act 1972 की बात बंद, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात चालू, और ट्राइबल्स को अब राइट्स मिल जाएगा. ये 2006 की बात है. सो दिस वाज द कंप्लीट टाइमलाइन, इज इट क्लियर, टेल मी. ये देखिए 2004 द केस वर्डिक्ट,
2006 Forest Rights Act and 2024 no implementation. बात समझ में आ रही है? कलेक्टर साहब जारी कर रहे हैं नोटिस वहां पर, क्या ये नहीं भाई एविक्ट करना पड़ेगा इनको, ये बारगुर कैटल की जमीन नहीं है, ये जमीन है ही नहीं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स है ही नहीं. इज दिस हिस्टोरिकल इनजस्टिस गोइंग ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी. सो दिस इज द इश्यू बीइंग पब्लिश इन द हिंदू टुडे एंड थंथई पेरियार सेंचुरी कम्स अप इन द न्यूज. ये देखिए तो व्हाट आर द राइट्स इन द न्यू सेंचुरी, वो देखिए. नया सेंचुरी डिक्लेयर किया गया और डिक्लेयर करते ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का कानून लागू कर दिया गया. नो डिस्कशन ओवर 2006 एक्ट. क्या बात है, 18 साल हो चले हैं, या तो पता नहीं है उस एक्ट के बारे में, या पता है जानबूझ के इंप्लीमेंट नहीं करना है, या मुद्दे चल रहे हैं. आप बताइए स्टूडेंट्स, 18 ईयर्स इट हैज बीन विद नो फोकस ओवर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. Don't you think it shows a paralysis in the implementation procedure? Tell me. And यहां देखिए, cattle grazers can no longer graze in Thanthai Periyar Sanctuary. Bargur cattle, traditional breed native to Bargur forest hills, may now be prevented from accessing their traditional grazing grounds. ये गाय ने क्या काम किया भाई, ये बताइए. इस गाय ने क्या किया गलती? इस गाय की यही गलती है कि वह वहीं पाई जाती है. इंसान की इतनी गलती है कि हर जगह चले जाएगा. And this cow, you can see it here, this cow is not getting its grazing grounds now. Is this clear? Let me know, students. आप बताइए होना क्या चाहिए इसमें. देखिए, Wildlife Protection Act 1972, no rights in national parks, rights to be enjoyed in sanctuaries, subject to collector decision. ये देखिए, collector's decision. Collector office to inquire into the rights. Goda Varman versus Union of India case, historical rights need to be adjusted. Forest Rights Act 2006 enacted. Implementation of Forest Rights Act a big issue. Still no implementation. यही कहानी छप गई अब स्टूडेंट्स. ये देखिए, तमिलनाडु ही नहीं, तमिलनाडु की बात ही है, बट तमिलनाडु नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, जहां फॉरेस्ट हैं, ट्राइबल्स को राइट्स नहीं मिल रहा है. Why? The Forest Rights Act is not implemented. Does it show lack of political will? Might be. Does it show lack of knowledge? Might be. Does it show lack of empathy? Yes, agreed. यहां लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या है? Empathy. जिस पर बीतती है ना वही जानता है. ये देखिए, कुर्सी पर बैठकर और अपना नाम इंग्रेव कराकर कलेक्टर बनकर बड़ा काम नहीं होता है. बड़ा काम होता है एम्पैथी, उस जगह पर अपने आप को रख कर, कीपिंग वन सेल्फ इन दैट पोजिशन एंड इमेजिनिंग व्हाट माइट बी गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द ट्राइबल्स. इट माइट बी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, इट माइट बी लैक ऑफ एम्पैथी, इट माइट बी लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड इट माइट बी ओनली पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन द स्टेट्स. नहीं, मुझे बताइए. अब देखिए, कल बिहार के सीएम का फिर से स्टेटमेंट आया है. मैं बस एक स्टेटमेंट रिटरेट करूंगा. व्हाट डज ही से दैट इस बार ऑल सीट्स ऑफ बिहार विल गो इन आवर साइड. क्या इसीलिए सीएम बनाया जाता है? क्या इसीलिए प्रशासन में लाया जाता है कि आपको सीट मिले, ये बताएं आप जनता को? क्या इसके आगे जीवन नहीं है? क्या इसके आगे डिस्कशन नहीं है? Does the discussion end here of governance? The fact is that administration and governance has been mixed with politics, has been subordinated to politics. We also talk only about political parties and politics. We don't talk about issues and governance. I hope you agree. Tell me. We talk about political personalities, political parties, and abhi se nahi, shuruaat se. And this is the reason why we are facing numerous problems. It is often said the country gets the leader, the country or the region gets the leader which the region deserves. हमारे बीच से ही कोई वहां पर जाता है. अगर हम यही बात करेंगे कि तुम किस जाति के हो, कास्ट, तुम किस धर्म के हो, अगर हम यही बात करेंगे, वो हमारा रिलेटिव है, उसको जाकर वोट देना है. अगर हम इस पर बात करेंगे दैट इस पॉलिटिकल पार्टी का 10 साल हो गया,
अब उस पॉलिटिकल पार्टी की बारी है, हमें लीडर भी वैसे ही मिलेंगे, फैक्ट है। डज एनीवन डिस्कस वाटर इश्यूज क्या चल रहे हैं? पता ही नहीं है किसे, वोटर्स को। इवन इफ दे आर लर्नड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट लर्नड, वाटर इश्यूज, दिस फूड सिक्योरिटी, कोई डिस्कशन से कहीं नहीं, हो भी नहीं सकता ना। एंड देन वी टॉक, वी आर एजुकेटेड लॉट, गोइंग टू द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, वी थिंक वी आर एजुकेटेड लॉट। द फैक्ट इज दैट दिस मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड अस। द डिस्कशंस रिवॉल्व्स अराउंड इश्यूज, इट शुड रिवॉल्व अराउंड इश्यूज, एंड वन ऑफ द इश्यूज इज ट्राइबल राइट्स। ये देखिए, इज इट क्लियर? आपका एक होमवर्क है आज, ये गोदा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस तो लिखिएगा ही, आप प्रीलिम्स में आ सकता है, आपका आज एक होमवर्क है। आप इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, मीन्स गवर्नेंस में इम्प्लीमेंटेशन कितना बड़ा एक इश्यू है, एक कितना बड़ा एक स्टेप है, इसको लेकर आज 200 वर्ड्स लिखिएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉट पॉलिसीज, यस, ऑफ वॉट थॉट प्रोसेसेस, यस। इन फैक्ट वी ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन, हम कुछ सोचते हैं होता नहीं लाइफ में वैसे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, यस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स, यस। सोचिएगा और दो तीन प्रोग्राम मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी रहना चाहिए। 200 वर्ड्स ऑन फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स आपको आज लिखना है, 200 शब्द लिखिएगा, टेल मी इन द चैट बॉक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मुद्दा आज का, सेकेंड मुद्दा पॉलिटी में, इन दोनों लोगों को देखिए, आया है फिर से मुद्दा, क्या ये उठ के चल देते हैं तुरंत, जैसे ही गवर्नर एड्रेस आता है, ये द तमिलनाडु गवर्नर मिस्टर एन आर एन रावी, इट सीम्स दैट ही हैज टू गो समवेयर। जैसे ही इनका इनकी बोलने की बारी आती है, गवर्नर एड्रेस आता है, उठ के चल देते हैं। ये देखिए लास्ट ईयर का भी देखिए न्यूज है, देख रहे हैं ये उठ के चल दिए हैं। ये मिस्टर स्टालिन जो सीएम है, वो पीछे मुड़कर पूछ रहे हैं हुआ क्या। ये देखिए, स्टालिन मूव्स रेजोल्यूशन टू रिटेन ऑन रिकॉर्ड ओनली द अप्रूव्ड वर्जन ऑफ द एड्रेस ऑफ द गवर्नर हु हैड लेफ्ट आउट पोर्शंस ऑफ द टेक्स्ट इंक्लूडिंग ऑन द ड्रेविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। सो एट दैट टाइम ही हैड लेफ्ट सर्टन सेक्शंस, मिस्टर आर एन रावी, टीएन गवर्नर, दिस टाइम ही लेफ्ट द होल एड्रेस। अब अगली बार आएंगे बिकने नहीं पता है। और ये देखिए यहां पर लास्ट ईयर का ये मुद्दा देखिए मैंने अटैच किया हुआ है। Does the governor have the right to delete portions of his address to the legislative assembly? Convention deems that the governor must not edit the address sent by the government. क्योंकि government elected है, governor appointed है, and यहां पर democratic model of governance में साफ साफ CM जो कहेंगे वो करना पड़ेगा governor को वहां पर। The Tamil Nadu incident is a pointer to the growing distrust between the office of governor and the CM of opposition-led governments. ये देखिए, गवर्नर इज नीदर अ डेकोरेटिव एम्ब्लेम नॉर अ ग्लोरिफाइड साइफर, हिज पावर्स आर लिमिटेड एंड ही हैज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रोल टू प्ले इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट एंड इन स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। द गवर्नर नीड्स टू एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक, नॉट एज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर मस्ट रिमेंबर इट। Also, all governors must remain true to their oath of preserving, protecting and defending the constitution. ये देखिए, और यही दिक्कत है, क्या ऐसे पहले भी हुआ है? कोई भी सरकार रहे सेंटर में, यही काम होता है। और क्या ऐसा कुछ है कि गवर्नर को नहीं, मींस मना नहीं करना है एड्रेस? देखिए, साल के पहले सेशन में और उसके बाद हर असेंबली इलेक्शंस के बाद जो पहला सेशन होता है, गवर्नर एड्रेस कम्स अप, सेम वे एज प्रेसिडेंट्स एड्रेस कम्स अप एट द सेंटर। द गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही कॉल्स इट सेशंस एंड डिसॉल्व्स द हाउस। अंडर आर्टिकल 176 ही हैज द राइट टू एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस। नोट द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। Parliamentary democracy being the basic structure of our constitution,
दिस इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द कैबिनेट थ्रू आर्टिकल 174, ये देखिए, एंड देर इज नो डिस्क्रिशन टू द गवर्नर्स, ये देखिए लिखा हुआ है, गवर्नर्स हैव नो बिजनेस टू क्वेश्चन द पर्पस ऑफ कन्वीनिंग द सेशंस ऑफ द हाउस। और ये नबम रेबिया 2016 का केस गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लेकर आया था, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। सवाल ये है क्या चल रहा है ये सब। आर्टिकल 176 गवर्नर एड्रेस इज मैंडेटरी, हाउएवर द हाई कोर्ट, देखिए जुडिशरी भी देखिए कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, हाउएवर द हाई कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन द गवर्नर फेल्स टू डिलीवर द एड्रेस अंडर आर्टिकल 176 एंड वॉक्स आउट ऑफ द हाउस दिस इज इररेगुलरिटी नॉट इलीगैलिटी। ये देखिए तो बार बार रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा। और साथ में आर्टिकल 212 में लिखा हुआ है दैट इररेगुलरिटी इन द प्रोसीजर कैनॉट बी चैलेंज्ड इन द जुडिशरी। ये देखिए, आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स, टेल मी द चैट बॉक्स। सो मिस्टर आर एन रावी फिर से उठ के चले गए हैं कंसर्निंग आर्टिकल्स, आर्टिकल 176 नोटेड डाउन, आर्टिकल 212 एंड नबम रेबिया केस। ये देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, ये गवर्नर सीएम कंफ्लिक्ट ओवर गवर्नर्स एड्रेस, नोट कर लीजिएगा। यस इज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इज इट क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स। और यही वजह है दैट एंड आर्टिकल 212 वेरी इंपॉर्टेंट, इररेगुलरिटी के मुद्दे पर कोई डिस्कशन नहीं जुडिशरी में। तो करे क्या इंसान, सोचे क्या इंसान, नहीं पता है अभी तक। इज इट क्लियर, लेट मी नो स्टूडेंट्स। अब सवाल यह है कि आज ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर आर वेंकट रमन, नोट कर लीजिए मिस्टर आर वेंकट रमन, इन्होंने कहा था एक चीज, ये देखिए, ही हैड टोल्ड एंड दिस कैन कम इन द प्रीलिम्स, ही हैड टोल्ड इन हिज बुक, ही हैज टोल्ड इज हैज पुट इन दिस बुक माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स 1994 में पब्लिश हुआ है ये बुक। मिस्टर आर वेंकट रमन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 87 टू 1992 क्रिटिसाइज्ड प्रेसिडेंट्स एड्रेस एंड गवर्नर्स एड्रेस। व्हाई? क्योंकि ये यूके से लिया हुआ है, वो बार बार कहते हैं ये कॉलोनियल हैंगओवर है जो हम लोग लेके चल रहे हैं, इसे एडिट कर देना चाहिए। ये देखिए, ये भी सही बात है, प्रीलिम्स में ये आ सकता है स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एड्रेस कहां से लिया गया है, यूके, दैट्स इट, द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इज इट क्लियर, टेल मी। सो दिस इज इट। अब आपका होमवर्क है, आज जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद प्रेसिडेंट्स, सबका नेम एक बार देखना है, ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा लेकिन एक बार देख लीजिएगा, मिस्टर आर वेंकट रमन जरूर से देख लीजिएगा, कब इनका टेन्योर कब से कब तक था। इज इट क्लियर, टेल मी स्टूडेंट। सेकेंड मुद्दा, क्लैरिटी आ गई, आर्टिकल 176 आर्टिकल 212 नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, आईआईटी, क्या बात है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यस, गवर्नेंस का टॉपिक है, गवर्नेंस इन एजुकेशन। सो टेल मी स्टूडेंट्स, हैव यू सीन आईआईटी एंड एम्स प्रोलिफरेटिंग इन नंबर्स, संख्या बढ़ गई है ना, ये देखिए मस्त संख्या बढ़ी है, जैसे कोई पहले कोई पूछता था कहां से पढ़े हो, आईआईटी से पढ़े हैं, ओके, सही है इंसान, क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हैं, कहां पर, यूएस में, MIT बॉस्टन में, द पर्सन वॉज लाइक ओके, क्या बात है, अभी कहां से पढ़े हो, IIT से पढ़े हैं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, क्यों, नौकरी नहीं लगी है। अब बोलेगा सर क्या ऐसी बात है, हो सकता है ऐसी बात हो कहीं पर, पहले एम्स कहां से पढ़े हो, MBBS, एम्स न्यू दिल्ली, एक ही एम्स था, जाना जाता था, अभी कहां से पढ़ो, एम्स से, तो घर पे क्या कर रहे हो, एक्चुअली बिल्डिंग बन रहा है अभी, और अब IIT की तरफ से डिसीजन आया, वी आर गोइंग अब्रॉड विद द कैंपसेस, द फैक्ट इज विल दिस कैंपसेस मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फैक्ट इज दैट, ये सारा डिस्कशन यहां पर इस आर्टिकल में किया गया है। टू मेनी IITs, टू मेनी एम्स, टू मेनी इंस्टीट्यूट्स,
लीड टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड क्वालिटी प्रॉब्लम्स। सवाल ये है आपका कि तो सर क्या सर केवल अर्बन एरियाज में ये IITs रहने चाहिए? नहीं, एजुकेशन की बात है। व्हाई यू नीड टू रेप्लीकेट IITs ओनली? व्हाई डू वी नीड टू रेप्लीकेट वन नेम ओनली? व्हाई नॉट अ न्यू इंस्टीट्यूशन नेम? टेल मी क्यों? सवाल है, ये दर्शा रहा है पता है क्या, कॉपी कॉपी करना हर चीज, एक बार शुरू हो गया उसको कॉपी करना। ये हमारी लाइफ में भी होता है, टू मेनी IITs। तो आइए देखते हैं, IITs बढ़ रहे हैं संख्या में, आइए देखते हैं। ओके ये देखिए, द ओरिजिनल 5 IITs वर एस्टैब्लिश इन 1950s एंड अर्ली 1960s। 4 हैड अ फॉरेन कोलैबोरेटर, IIT बॉम्बे, सोवियत यूनियन, व्हाट अ कंसेप्ट। एजुकेशन देखिए यहां पर, सेकेंड IIT मद्रास जर्मनी, IIT कानपुर USA, IIT दिल्ली UK। करंटली देर आर 23 IITs। आफ्टर सेटिंग IIT इन दिल्ली इन 1961, इट टुक अनदर 34 ईयर्स टू एस्टैब्लिश 6th IIT इन गुवाहाटी। सिंस देन 17 मोर IITs हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, इंक्लूडिंग सेवरल दैट रिजल्टेड फ्रॉम अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। ये देखिए बहुत अच्छे से फंडिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और IITs में एनरोलमेंट बढ़ गया है। पहले IIT का एग्जाम होता था, 2000 के अंदर रैंक आया तब जाइएगा, वो भी रैंक खराब है तो आपको दूसरा ब्रांच मिलेगा। अभी 20,000-30,000 जितना है आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेटा अवेलेबल विद द काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs आर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद एवरेज स्टूडेंट एनरोलमेंट्स इन 5 ओल्डर IITs एट अराउंड 10,000 कंप्लीट। सम ऑफ द न्यूअर वंस रिमेन क्वाइट स्मॉल विद फीवर देन 400 स्टूडेंट्स। द ओल्डर IITs हैव फैकल्टीज ऑफ अराउंड 1,000, वेल सम ऑफ द न्यू वंस सच एज इन पलक्कड़ एंड जम्मू एम्प्लॉय 100 और सो। देर इज सीवियर शॉर्टेज ऑफ प्रोफेसर इन IITs। फॉर एग्जाम्पल IIT धनबाद is approved to hire 71 instructors but only has 301 positions filled up till Jan 2021। yahan chaspa kar lena ki main yahan se pad raha hu, isse shiksha nahi hoti hai, sawal yahi hai। IITs pehle keval expert institutions the specific field ke courses, abhi sare courses। to aap bataiye students, aur ab jo decision hua hai bahar abroad campus kholne ka, क्या मैनेजमेंट में इश्यूज आएंगे? मुझे बताइए, इट विल कम अप स्टूडेंट्स। अब आप कहिएगा कि सर इसका इस टॉपिक को कैसे डिस्कस किया जाए। IITs एक्सपेंशन इन कैंपसेस एंड डिसिप्लिन, इसके एडवांटेजेस आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। एडवांटेजेस, पहला पॉइंट, रीचिंग आउट टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। एग्रीड, फायदे हैं। ये आर्टिकल थोड़ा सा अपोज में लिखा है, हम लोग दोनों तरफ से देखेंगे। वी आर UPSC एस्पिरेंट्स, ठीक है, आप UPSC एस्पिरेंट हैं और मैं UPSC एजुकेटर हूँ, हमें दोनों पहलू देखने होते हैं, बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। सेकंड पॉइंट ये देखिए, डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द कोर्सेज, यस फ्लेक्सिबिलिटी इन द कोर्सेज। थर्ड पॉइंट, गवर्नेंस का टॉपिक है, पॉलिटी का कुछ ना कोई आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी इन एजुकेशन। ये देखिए क्या बात है, एग्री कर रहे हैं ना, मुझे बताइए, ये भी फायदा है स्टूडेंट्स, यस। फोर्थ पॉइंट, इसके अलावा एडवांटेजेस में कैंपस एक्सपेंशन होगा, ग्रोइंग इमेज, यस इमेज इन्हांसमेंट, इन्हांसमेंट ऑफ इमेज एट द ग्लोबल लेवल। एंड फिफ्थ, टैपिंग रूरल एरियाज फॉर पोटेंशियल स्टूडेंट्स। ये देखिए, एग्रीड। डिसएडवांटेजेस आइए देखा जाए, डिसएडवांटेजेस आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए पहला पॉइंट, डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एग्रीड, कैसे चल रहा है सेशन बताया जाए भाई। सेकेंड, वैकेंसीज इन प्रोफेसर्स, वैकेंसीज इन दिस फैकल्टी पोजिशंस। ये देखिए थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट अ बिग इश्यू, मैनेजमेंट अ बिग इश्यू एंड इमेज टार्निश्ड, इमेज गोइंग डाउन। ये देखिए, एग्री, लेट मी नो स्टूडेंट्स। सवाल क्या है, ये आर्टिकल क्या डिस्कस कर रहा है? IITs को वैसे ही रहने दीजिए, एक नया सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन लेते आइए,
क्योंकि नया सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन में नए रूप, नया विजन रहेगा, मिशन रहेगा. जब कुछ नया शुरू होता है तो बहुत अच्छा रहता है. सो वी कैन गो फॉर, ये देखिए, इंस्टेड वे आउट, देखिए वे आउट नोट कीजिए, अ न्यू सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यस, न्यू विजन एंड मिशन, यस, एग्रीड, अ न्यू यू कैन से कॉन्फिडेंस एंड एम्बिशन, ये देखिए, एंड कोर्सेज विल बी मच मोर फ्लेक्सिबल, ये देखिए, कोर्सेज फ्लेक्सिबल. मैं तो कहता हूं कि IITs की जगह पर, जैसे कि अगर अभी AI और रोबोटिक्स चालू हो रहा है, तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ AI एंड रोबोटिक्स, ऐसे 7-8 कॉलेजेस ओपन कर दिए जाए. एग्री कर रहे हैं ना, मुझे बताइए. ऐसा नहीं कि वहीं पर कोर्स चालू करवा रहे हैं. क्यों, वाई, क्यों एक्सपेंशन कर रहे हैं जब वहां पर एक्सपेंशन की जगह नहीं है? तो सो देर कैन बी अ वे आउट, न्यू सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, न्यू विजन एंड मिशन, न्यू कॉन्फिडेंस एंड एम्बिशन, कोर्सेज फ्लेक्सिबल, न्यू कोर्सेज कम्स अप, ये देखिए, एंड देर शुड बी कोलैबोरेशंस, यस, वेरी गुड पॉइंट, कोलैबोरेशंस विद द एग्जिस्टिंग IITs, कोलैबोरेशन कर लीजिए गेस्ट लेक्चर्स के लिए. एग्रीड, मुझे बताइए. ऐसा नहीं कि कोई टॉपर है आपकी क्लास में तो उसके साथ दोस्ती कर लिए तो आप भी टॉप कर जाइएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है. ऐसा हमेशा हुआ है कि टॉपर से दोस्ती करने पर आप फेल ही कीजिएगा, मैं बता दूं आपको. एग्रीड, कैसा चल रहा है सेशन बताया जाए भाई. और देखिए यहां पर IITs में एक और सबसे बड़ी बात है, एक घाटा नए जगह पर खुल रहा है, लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द लोकल नीड्स एंड IITs, खोल दिया गया है. वहां पर दूसरे जगह से बच्चे जा रहे हैं वहां पढ़ने के लिए, तो फायदा क्या हुआ? पलक्कड़ में, जम्मू में, मंडी में आपने ओपन अप किया, और मंडी और जम्मू में अगर जा रहे हैं महाराष्ट्र, आंध्र और बिहार के बच्चे, तो फायदा क्या हुआ, मुझे बताइए. एग्रीड, टेल मी स्टूडेंट्स. सो दे हैव नो कनेक्शन विद द आउटसाइड रीजन्स. इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ द लोकल स्टूडेंट्स इन दोज IITs, द लोकल एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो नीड्स टू बी रिवाइव, दैट्स इट. इट्स नॉट दैट वहां IIT खोलने से बच्चे आ जाएंगे, नहीं आएंगे. क्लियर है, मुझे बताइए स्टूडेंट्स. तो अब तो बाहर भी खुल रहा है ना, बाहर खुलने वाला है IIT. अब पता नहीं बाहर में क्या मेंटेन हो पाएगा कि नहीं. ये एक जेवल था एकेडमिक क्राउन में इंडिया के, देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है. ओवर एक्सपेंशन विल इनएविटेबली मीन एग्जैक्टली दैट, ये देखिए डिमिनिश कर जाएगा सब कुछ, ये देखिए. इज इट क्लियर? तो आपका एक सवाल है, आपके लिए एक सवाल है. IITs की बात नहीं, कोई भी एजुकेशनल फील्ड में एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस में वैरायटी लाना और कैंपस बढ़ाना. सो डू यू सपोर्ट द एक्सपेंशन द कैंपसेस एंड डिसिप्लिन्स ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. लिखने की कोशिश कीजिएगा आज आप लोग. आई रिपीट, डू यू सपोर्ट द एक्सपेंशन इन द कैंपसेस एंड डिसिप्लिन्स या कोर्सेज ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. 10 marks, 150 words. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशन इंस्टीट्यूशंस. इंडिया UAE रिलेशन सर्व एज अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब UAE गए हैं और UAE की बात कर रहे हैं. आपको ही पता है स्टूडेंट्स, UAE इंडिया रिलेशन आर ऑन द हाई एनविल एंड इट विल प्रोसीड अहेड. यस, तो यहाँ से बस वैल्यू एडिशन न्यूज निकाल लीजिएगा, नथिंग न्यू इन दिस. ये देखिए, और कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, देखिए many agreements have been signed. आइए आगे बढ़ते हैं. GS paper 3, Indian economy and development. Very important article has come today in the Hindu. ये देखिए, why India needs deep industrialization. क्या बात है, क्या टॉपिक है, देखिए स्टूडेंट्स. Why India needs deep industrialization. The COVID-19 pandemic changed the way we think about our economic future. ये देखिए, सवाल लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज. बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, इंडियन इकोनॉमी का बहुत अच्छा आर्टिकल है ये. सर्विसेज सेक्टर की धज्जियां उड़ाता हुआ आर्टिकल है ये, देखिए टर्शरी सेक्टर की. एक सवाल UPSC में आया हुआ है, दो सवाल आए हुए पहले से. देखिए एक सवाल मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, 2017 मेंस. एक सवाल और आया है, इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्शरी सेक्टर विदाउट गोइंग थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कमेंट करके आया हुआ है. ये देखिए एक और क्वेश्चन है,
Industrial growth rate has lagged behind the overall growth of GDP in the post-reform period. Give reasons. Kyun lag kiya hai? Okay. And how far the recent changes in industrial policy are capable of increasing the industrial growth rate? Why has this article come up? The talk has come back. Whether manufacturing, ye dekhiye yahan par manufacturing, secondary sector, ye dekhiye. Secondary sector versus services sector. मैं बता दूं आपको यहां पर एक डेटा स्टूडेंट्स डेटा देखा जाए पहले डेटा इज इंडिया में लगभग ये देखिए प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का वो होता है जहां पर हम लोग नेचर द्वारा प्रोवाइडेड गुड्स डायरेक्टली यूज करते हैं विदाउट चेंजिंग द फॉर्म वी यूज द नेचर द गुड्स प्रोवाइडेड बाई नेचर इन द ओरिजिनल फॉर्म एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर फिशरीज माइनिंग माइनिंग डिग करके लेते हैं कोयला प्राइमरी सेक्टर है अगर अब इस कोयले का रूप चेंज कीजिएगा तो सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स ये देखिए सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द एरियाज वेयर द फॉर्म इज चेंज द फॉर्म शेप द फॉर्म ऑफ वॉट ऑफ द नेचर प्रोवाइडेड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कुछ आता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आता है यस गेहूं को कन्वर्ट कर दिया आटे में दलिया में डू यू एग्री ब्रेड में यस इसमें स्टील प्लांट भी आता है इसमें दिस थर्मल पावर प्लांट भी आता है इसमें रेलवेज भी आता है इसमें फार्मास्यूटिकल्स भी आता है इसमें ऑटोमोबाइल भी आता है इनफैक्ट जितनी जगहों पर गुड्स टैंजिबल थिंग्स दिखेंगी जो नेचर में नहीं मिलती है वो सब सेकेंडरी सेक्टर से आती है थर्ड सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर इज सपोर्टिव सेक्टर टू सेकेंडरी तो जैसे ही आप गुड ये देखिए नेचर में कोयला मिल रहा है ये देखिए आप इससे पावर जनरेट कर रहे हो क्लियर ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया एग्रीड और इस सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए क्या चाहिए सर सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने किस फील्ड में जो सब्सिडियरी सर्विसेज हैं एग्जांपल सैलरीज ऑफ द पीपल वर्किंग इन दिस सेकंड मैनेजमेंट ऑफ द पीपल थर्ड बैंकिंग फोर्थ मार्केटिंग सेल्स ये सब कुछ टर्शरी सेक्टर में आता है क्लियर तो कोई भी देश पहले प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ आगे बढ़ता है तब टर्शरी की तरफ आगे बढ़ता है टर्शरी डिपेंड्स अपॉन सेकेंडरी सेक्टर Agreed? Let me know in the chat box. यहां गलत क्या हुआ हमारे यहां सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं किया प्राइमरी से डायरेक्ट शिफ्टिंग टर्शरी के ऊपर अब सर हाउ इज इट पॉसिबल बिकॉज हम लोगों ने अभी देखा टर्शरी डिपेंड्स अपॉन सेकेंडरी लेकिन यह पॉसिबल हुआ इंडिया में वाई बिकॉज इंडिया का टर्शरी सेक्टर इंडिया के सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट नहीं करता है द टर्शरी सेक्टर ऑफ इंडिया सपोर्ट्स ग्लोबल सेकेंडरी सेक्टर IT example. Do you agree with me? Tell me, students, in the chat box. दूसरे जगह के manufacturing को support करने के लिए हमारे यहां का tertiary sector evolve किया है और आज ये concept है that primary sector, secondary sector, tertiary sector. Tertiary sector services, ये देखिए ये इंडिया का 55% पैसा दे रहा है GDP में But the people employed here are only 23% people of the country. Second, primary sector, people employed 51%. ये देखिए 51-59% लगभग vary किया है COVID के समय. And this people employed. And GDP का कितना दे रहा है ये 13% GDP का. क्या बात है. बाकी secondary sector, ये देखिए सेकेंडरी सेक्टर पीपल एम्प्लॉयड 25% जीडीपी गिवन 22% ये देखिए आप समझ सकते हैं कहां के लोग अमीर हैं क्लियर यू कैन क्लियरली से हु इज रिच इन दिस एंड दिस इज व्हाई वी आर टॉकिंग सर्विसेज हैज सर्टन लिमिटेशंस व्हाट आर द लिमिटेशंस आइए देखा जाए इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया द COVID-19 पैंडेमिक चेंज द वे वी थिंक अबाउट आवर इकोनॉमिक फ्यूचर Globalization is now in the retreat. Industrial policy and strategic state-led economic interventions are back on the menu everywhere across the world.
एंड व्हाई इज सर्विसेज अ प्रॉब्लम, आइए देखते हैं. ये देखिए, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सर्विसेज दैट ग्रोथ इज पुअर. ये देखिए, नोट कीजिए, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी यस क्यों पुअर है, क्यों नहीं अब्सॉर्ब कर पाता ये. Why doesn't services absorb the labor? Because it could not absorb the labor coming from agriculture. Agriculture से कोई services में नहीं आएगा. Agreed? Manufacturing में चला जाएगा. Semi-skilled labor, unskilled labor. Second, service sector requires highly skilled workforce. ये देखिए. और India supply नहीं कर पा रहा है. ये देखिए. I hope you agree. Tell me, students. This is why service sector की बुराई यहां चल रही है. देखिए, service sector problems being faced. ये देखिए, agreed? तो employment elasticity of services, second is poor, second it cannot absorb the labor exiting agriculture, third it requires highly skilled labor. और इसीलिए सर्विस सेक्टर कभी भी इंडिया की प्रॉब्लम्स का रास्ता नहीं है. इससे कहीं बेहतर है दैट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए. व्हाई इज मैन्युफैक्चरिंग बेटर ऑफ, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स. लिखा जाए यहां पर मैन्युफैक्चरिंग, व्हाई इज इट बेटर. फर्स्ट, इट कैन एम्प्लॉय अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर ऑल्सो. एग्रीड? ये देखिए, सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट अ फुटलूज इंडस्ट्री. नॉट अ फुटलूज, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फुटलूज इंडस्ट्री का मतलब होता है कहीं से भी उखड़ कर दूसरी जगह चले जाना. सर्विस सेक्टर वैसा ही है. जबकि मैन्युफैक्चरिंग एक जगह स्टैब्लिश हुआ, स्टील प्लांट नहीं हटेगा वहां से. एग्री? टेल मी. थर्ड पॉइंट, इट कैन सर्व एज ग्रोथ सेंटर्स इन द रीजन. एग्री कर रहे हैं? इन द रीजन. ये देखिए, फोर्थ पॉइंट, द लोकल स्किल्स कैन बी एम्प्लॉयड. लोकल स्किल्स, यस, स्किल्ड लोकल जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उन लोगों को. एंड फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, इट कैन लीड टू ग्रोथ ऑफ MSME सेक्टर. क्या MSME सेक्टर इंडिया का है मैन्युफैक्चरिंग में? यस, अच्छा खासा है. और इसीलिए कहा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग विल लीड टुवर्ड्स चेंजिंग ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, अगर तरीके से किया जाए तो. अ कल्चर ऑफ ग्रोथ ऑल्सो रिक्वायर्स अ रिवॉल्यूशन ऑफ लेबर प्रोडक्शन एंड टेक. इंडिया हैज लुक डाउन अपॉन सर्टेन ऑक्यूपेशंस. इंडिया ने, पता है, कुछ ऐसे हमारे समाज में कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिसको अच्छे से नहीं देखा जाता है. और बाहर जाइएगा आप, सर्विस सेक्टर के आपसे ज़्यादा वही बंदा कमाएगा. कौन सा ऐसा स्किल्ड लेबर है? इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, सुना है आपने ना, मुझे बताइए. इन इंडिया नो इज्जत, इन फॉरेन यू विल हैव नो इज्जत. द सर्विस सेक्टर, दे कमांड अ वेरी हाई वेज एंड दे कमांड अ वेरी हाई डिमांड इन द फॉरेन कंट्रीज, नॉट इन इंडिया. दिस क्लियरली शोज वी आर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग को कितना तरीके से साइड करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. इट्स अ बिग अचीवमेंट इफ समवन सेज व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग सर्विस. मैं सर्विस सेक्टर में हूं, मेरा काम है सर्विस देना. क्या सर्विस दे रहे? आईटी में है या गवर्नमेंट में है, सर्विस दे रहे हैं आप. बट क्या आप बताइए आपके सेक्टर में अब्सॉर्प्शन कितना है लेबर का? नहीं है अब्सॉर्प्शन. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के और भी कुछ फायदे हैं स्टूडेंट्स. ये देखिए, फायदे क्या है मैन्युफैक्चरिंग के? इट क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. डू यू एग्री? क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यस. इट डेवलप्स रिमोट रीजन्स, यस, डेवलप्स रिमोट रीजन्स. थर्ड पॉइंट, इट लीड्स टूवर्ड्स टैंजिबल बेनिफिट्स. ये देखिए, फोर्थ पॉइंट, It helps promote exports. And exports रहेगा और manufacturing बढ़ेगा तो क्या services sector बढ़ेगा?
ये देखिए साफ साफ, आप सर्विसेज को बढ़ाइएगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइएगा सर्विसेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा. एग्रीड. मैन्युफैक्चरिंग इज द पाइवट ऑफ एनी कंट्री. पाइवट ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग. एग्री. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ये देखिए एक सवाल तो आप सबके लिए बनता है. बनता है क्या सवाल है सर? आपका सवाल यही है दैट कंपेयर एंड कंट्रास्ट या bring out the advantages of industrialization, bring out the advantages of manufacturing over the services sector. Advantages. India mein kyun nahi develop kiya manufacturing? Sawal yahi hai. China kyun develop kar diya? Hamare yahan develop kyun nahi hua? Aaiye dekhte hain. Manufacturing could not develop in India. Note it down. Reasons. Reasons se pehla reason. Looked down upon. मैंने कहा ना इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं. अच्छा ये काम करते हो, इसका तो कोई इज्जत ही नहीं है. लुक्ड डाउन अपॉन इन द सोसाइटी. सेकंड पॉइंट लुक्ड डाउन अपॉन. ये पहला पॉइंट हो गया. आप बताइए समाज में ऐसा होता है ना जो इन सब सेक्टर्स में है कम पैसा अर्न करता है? यस. एज कंपेयर टू सर्विसेज सेक्टर. Services sectors has created a deep, deep divide in the earnings. I hope you agree. Yes, yes. Thanks a lot, Shaurya. Even all of your affection. Jitne bachcha log yahan mujhe watch kar rahe hain aur watch karenge baad mein. Aap sabhi logon ka affection hai that we take up every topic in deep detail. And meri shubhkamnaen aapke saath rahengi. Aap aage jaiye, padhiye, achieve kijiye. अपने गोल्स लाइफ के. और मैं साथ में रहूंगा, हमारी टीम साथ में रहेगी आपकी, चिंता मत कीजिए. ठीक है. सो मैन्युफैक्चरिंग कुड नॉट डेवलप. रीजंस लुक डाउन अपॉन. सेकंड पॉइंट इट नीड्स इन्वेस्टमेंट. नीड्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ये देखिए जो नहीं है. थर्ड पॉइंट इट नीड्स कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन सर एग्जांपल दीजिए. अभी देखिए कोऑर्डिनेशन के लिए अभी एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप क्रिएट किया गया है. नाम सुना है आपने एनपीजी का? नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप. किसमें? पीएम गति शक्ति योजना. ये देखिए. फोर्थ पॉइंट इट नीड्स प्रॉपर लेजिस्लेशन. नीड्स लेबर लॉज. ये देखिए इट नीड्स सपोर्ट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. नीड्स सपोर्ट स्ट्रक्चर. यहां सरकार आज से नहीं 30-40 साल से, 40-30-40 साल से क्या चल रहा है सरकार में? अपने को ही लेकर सब परेशान है. भाई मेरी पार्टी, मेरा सीट, मैं बन जाऊं सीएम. और लोग भी वैसे ही, हाँ यार ये सीएम बन जाए, इसका करियर, इसकी पार्टी. केवल क्या कॉमन थिंग है? या तो ये मेरे धर्म का है, या ये मेरे जाति का है, या मेरे रीजन का है, और कुछ नहीं. डिमांड ही जब नहीं करोगे इश्यूज बेस्ड गवर्नेंस तो मिलेगा भी नहीं. ये देखिए. क्लियर? लेट मी नो. एक सवाल यहां बनता है. ब्रिंग आउट द एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद सर्विस सर्विस सेक्टर. व्हाई डिडंट मैन्युफैक्चरिंग डेवलप इन इंडिया? लिखने की कोशिश कीजिएगा. आई रिपीट द क्वेश्चन. ब्रिंग आउट द एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद सर्विस सर्विस सेक्टर. एडवांटेजेस ये देखिए. व्हाई डिडंट इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप इन इंडिया? आगे बढ़ा जाए और ये 2017 का भी सवाल टैकल करने की कोशिश कीजिएगा. नेक्स्ट टैक्स कलेक्शंस. टॉपिक नंबर 2 टैक्स मॉप अप द बैक स्टोरी एंड द ईयर अहेड. ये देखिए नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज सर्ज 20%. फटाफट चैट बॉक्स में तुरंत एकदम एक्टिव हो जाइए आप लोग. कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं? लेट मी नो द नेम्स. तो ये इनकम टैक्स पेमेंट्स का सर्ज हो गया है. Helped in government reduce borrowings and speed of fiscal consolidation. Yes. Welcome increase. ये देखिए क्या बात है. Year on year increase. Direct tax collections as a percent of GDP. क्या बात है. Prelims का सवाल. Direct tax collections as a percentage of GDP. 6.7%. 10 के ऊपर नहीं है. इतना लिख लीजिएगा. ये सवाल आ सकता है. Clear. What has catalyzed this increase? क्यों बढ़ा है ये? देखिए यहाँ पर students. First, tax base has grown. Tax base, number of people paying taxes. Second, better compliance by use of tech in tax administration. ये देखिए.
और टेक का इस्तेमाल कैसे हुआ है, इनकम टैक्स प्रीफिल्ड फॉर्म्स आ रहे हैं, पहले मालूम चला इनकम टैक्स के लिए 5 दिन घूम रहे हैं फॉर्म लेकर, नहीं ऐसे टिक मार्क कर रहे हैं ऑफलाइन, क्यों ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, क्या यही काम रह गया 5 डेज इनकम टैक्स फाइलिंग्स में जाएगा? व्हाई शुडंट देयर बी अ सिस्टम जहां पर सब कुछ प्रीफिल्ड आ जाए गवर्नमेंट की साइड से, दिस इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट ये देखिए, दिस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS, ये देखिए TDS भी, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और कलेक्ट किया जाए सरकार के द्वारा, ये बढ़ गया है, इसके लिए और भी अच्छा है ये देखिए। एंड फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ जितना बढ़ेगा उतना GDP बढ़ेगा और उतना टैक्स बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन ही देखिए। तो एक सवाल तो बनता है, bring out the reasons responsible for increase in direct tax collections. Bring out the reasons responsible behind increase in direct tax collections. ही देखिए, क्लियर है मुझे बताइए। और यहीं पर एक वर्ड आएगा, कीवर्ड टैक्स बॉयंसी, फटाफट टैक्स बॉयंसी, आज आपका टास्क है, टैक्स बॉयंसी क्या होता है और टैक्स बॉयंसी बढ़ाने के रास्ते क्या हैं, ये देखिए टेक्निकल वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इसके बिना आंसर लिखना मार्क्स नहीं मिलेगा, क्लियर है मुझे बताइए, क्लियर? टैक्स बॉयंसी, इज दिस वर्ड क्लियर, टेल मी, तो इसका मतलब ये होता है टैक्स कलेक्शंस बाय GDP, ये देखिए बढ़ना चाहिए ईयर ऑन ईयर, ये देखिए क्लियर है, टैक्स रेट्स पर डिस्कशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर डिस्कशन हो गया, तरीके से IITs पर डिस्कशन हो गया, इंडिया UAE रिलेशंस के बारे में मालूम चल गया, IITs के एक्सपेंशन पर डिस्कशन हो गया, और साथ में स्टूडेंट्स ये देखिए गवर्नर एड्रेस मालूम चल गया, आर्टिकल 176 आर्टिकल 212 मालूम चल गया, नबम रबी केस मालूम चल गया, ये देखिए यू ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द ट्राइबल इश्यूज एंड गोदा वर्मन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द बारगुर कैटल and Thanthai Periyar Forest. We also talked about students before this, the news shots in the form of MSP, the main issue on the first page of the newspapers. We also discussed about Iran firing ballistic missiles. I gave you some tasks regarding it, and coal imports rising in our country, and Estonia, Tallinn capital, also Nagorno-Karabakh belt. That's it from my side for today. I hope you enjoyed the session. Namaskar, Jai Hind. End karte hain aaj ka satra. Aur ye phone numbers hai jin pe aap sampark kar sakte hain for further updates. Namaskar students. Take care.